लंबे बाल खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं और हर औरत की दिली ख्वाहिश होती है कि उसके बाल लंबे, घने और मजबूत हों, क्योंकि लंबे बाल उसकी खूबसूरती और दिलकशी में चार चांद लगा देते हैं। सदियों से ख्वातीन बालों को लंबा करने के तरीके पर अमल करती रही हैं। अगर आप भी अपने बालों को लंबा करना चाहती हैं तो मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, क्योंकि ग़िज़ा में मौजूद विटामिन और प्रोटीन बालों की अफजाइश और सेहत के लिए नहायत मुफीद हैं और बालों की लंबाई और खूबसूरती में अहम किरदार अदा करते हैं। बालों की हिफाजत के लिए कंडीशनर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके लिए अंडा, दही बेहतरीन कंडीशनर का काम देते हैं। एक अंडा और एक कप दही लें और इन दोनों को मिक्स करके बालों में लगाएं। 2 घंटे बाद बालों को धो लें। बालों की हिफाजत और खूबसूरती के लिए ज़रूरी है कि आप बालों को खुश्की सिकड़ी से महफूज रखें, क्योंकि हर महीने बालों की ग्रोथ तकरीबन आधा से चौथाई इंच तक होती है, लेकिन खुश्की की वजह से बालों की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए खुश्की को दूर करने के लिए सरसों के खालिस तेल में अंडे की जर्दी मिक्स करके बालों में लगाएं। इससे बाल नरम मुलायम और खुश्की से पाक हो जाएंगे। ये तेल तकरीबन 1 घंटे तक लगा रहेंगे। बालों को लंबा करने के लिए सर का मसाज बहुत ज़रूरी है। मसाज करने के लिए 1 अंडा, नारियल का तेल और शहद लें। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हल्के हाथों से मसाज करें। इस तरह मसाज के ज़रिए दौरान खून तेज़ होता है और बालों की अफजाइश में इजाफा होता है। बालों को लंबा करने के लिए हर 6 हफ्तों के बाद 2 सेंटीमीटर से 1 इंच कटिंग ज़रूर करवाएं। इससे भी बालों की लंबाई में इजाफा होता है। बालों को लंबा करने के लिए यह तरीका बहुत फ़ायदेमंद है। एलोवेरा और शहद। एलोवेरा काटकर उसकी जेल निकाल लें। जेल को शहद में मिक्स करके बालों की जड़ों में लगाएं और हल्का हल्का सा मसाज करें। 20 मिनट बाद सर धो लें। बालों को लंबा करने का ये तरीका नहायत आसान और आजमूदा है। एलोवेरा को काटकर उसकी जेल निकाल लें और उसको बालों में तकरीबन 2 घंटे तक लगा रहने दें। बाल बहुत कम वक्त में लंबे होना शुरू हो जाएंगे।